अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज के ट्रैवल व्लॉग में मैं आपको वो जगह ही बताऊंगी जो हमने कैमर में विज़िट की थी। उनमें एक ओलंपस टेलीफेरिक है, ये 80 पैसेंजर्स इसमें जाते हैं एक टाइम में। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एरियल ट्रामवे। उसमें चार जो हैं सपोर्टिंग टावर्स हैं, लोकेटेड है बिटवीन टू टर्मिनल्स। और यहाँ हम गए लेकिन थोड़ा सा बच्चे डर रहे थे तो हम फिर उसमें हमने राइड नहीं ली। तो उसके बाद ओलंपस टेलीफेरिक से को देखने के बाद फिर हम यहाँ से निकले और फिर हम गए जन्नत कुए। कैमर में बहुत सारे बीचेस हैं, उनमें से एक जन्नत कुए भी है। तो यहाँ पर फिर हम गए। अप्रैल में थोड़ा पानी ठंडा था तो मतलब कुछ लोग, खैर यहाँ के जो लोकल्स थे वो तो स्विमिंग वगैरह कर रहे थे लेकिन हमें थोड़ा ठंडा लग रहा था तो हम बस वैसे ही देखने गए थे। अच्छी खूबसूरत सी जगह थी, पुरसकून सी। यहाँ पर बोट्स वगैरह भी खड़ी हुई थी, लोग अपनी लोगों की पर्सनल बोट्स भी वहाँ पर खड़ी हुई थी एक पॉइंट पर, जो यहाँ पे भी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है वीडियो में। ये उसका रास्ता था वहाँ तक पहुँचने का। फिर वहाँ से निकल के हम निकले कि चलें आप किसी और जगह जाते हैं, तो हम गए कुछ दरे ओलंपस पार्क। यहाँ पर ये बिल्कुल एंड में जाके जो है आप जाते जाएंगे तो फिर बिल्कुल एंड में जाके ये इसकी वाटरफॉल है। ये यहाँ से वाटरफॉल, इसमें थोड़ा वाटर लेवल कम था तो नीचे तक जाके मैंने इसकी इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन बहुत पुरसकून सी जगह थी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत जगह थी। और जब वाटर लेवल थोड़ा सा अप होता होगा तो और ख़ूबसूरत लगता होगा। अभी थोड़ा वाटर लेवल काफ़ी डाउन था तो आगे की जो जगहें थी जहाँ से हम इस एरिया में एंटर हुए थे जाने के लिए, तो शुरू में तो बिल्कुल पानी नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर तक जब एंड में पहुँचे तो ये फिर हमें वाटरफॉल नज़र आई और यहाँ पर पानी भी था। लेकिन जब पानी का लेवल अप होता होगा तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगती होगी। तो यहाँ भी हमें बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया, बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। ये आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों में घिरी हुई ये कितनी खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट स्टॉप था ओलंपस एंथिकेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत रश था और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पर जब आप ये इनके ये देखते हुए आप आगे निकलते हैं तो फिर एंड में आपको ओलंपस बीच भी है। तो 10 यूरो इसका टिकट था और अच्छी जगह थी ये भी, काफ़ी इंजॉय किया। ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। सो ये सब वो जगहें थी जो हमने कैमर में विज़िट की। ये होटल से व्यू था। आई होप आपको आज का ट्रैवल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कैमर एक बहुत खूबसूरत जगह है, आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। हमारा फ़र्स्ट टाइम था और हमें ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत पुरसकून, बहुत खूबसूरत जगह थी। नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।